एक एम शादी में चर्चा की शुरुआत आप ही के साथ करना चाहूंगा। एक मेरे मित्र ने भेजा वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे, नहीं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी नहीं, उसने राजीव गांधी उन्मुक्त विश्वविद्यालय, अच्छा व्हाट्सएप ओपन यूनिवर्सिटी बोलिए, ओपन यूनिवर्सिटी। एक मिनट चर्चा को शुरू कर लें। उसने लिखा था कि हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं, मगर जीत कर हारने वाले को क्या कहते हैं? इस सवाल का उत्तर मैं आपसे चाहूंगा। देखिए, इंडिया में दो पैरेलल यूनिवर्सिटी पत्रकारों ने खोली है, एक तो पहले खोली थी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी किसी पत्रकार ने, ये चुनाव के बाद मैंने खोली है राघा राजीव गांधी ओपन उन्मुक्त, मेरे शब्द मुक्त नहीं, ओपन यूनिवर्सिटी का मतलब होता है मुक्त विश्वविद्यालय, लेकिन उन्मुक्त विश्वविद्यालय है, राजीव गांधी उन्मुक्त विश्वविद्यालय बोल लीजिए, राधा उन्मुक्त विश्वविद्यालय, वहां से पढ़े लिखे जितने पत्रकार और ये नेता वगैरह है ना, जो आंधी तूफान ला रहे थे, क्या क्या ला रहे थे, मैं सही बताऊं ना चावला जी, केवल मैं ही नहीं, आप अपने दिल पे हाथ रख के पूछिए, जितने एंकर वक्ता प्रवक्ता खुद कांग्रेस के नेता राहुल गांधी पे चर्चा कर करके थक चुके हैं, मैं खुद मेंटली हम लोग फ्रस्ट्रेट हो गए हैं कि इनके ऊपर क्या बोला जाए। आप मुझे एक चीज ये बताइए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 10 साल से चाय बना रहे हैं, 2014 से, कितनी परफेक्ट चाय, न शक्कर कम न ज्यादा, चाय की पत्ती चीनी सब कुछ एकदम टकाटक, ये बेचारे जलेबी बनाने गए, भाई आप पंचर वाले की दुकान पे गए थे, आप मैकेनिक के यहाँ गए, आप बढ़ई के यहाँ गए, आप ट्रक ड्राइवर के यहाँ गए, आप इससे पहले जलेबी वाले के यहाँ नहीं गए थे, इतना मुझे पता है, नन्हे हलवाई के यहाँ आज तक राहुल गांधी नहीं गए हैं, तो फिर आपने क्यों जलेबी बनानी शुरू कर दी, पहले आपको नन्हे हलवाई के यहाँ जाके जलेबी नहीं, ये गठबंधन वाले मसले पर आइए ना, ये जो गठबंधन के सहयोगी जो सलाह दे रहे हैं और खासतौर पर आम आदमी पार्टी जो बात कह रही है, कुछ दम लग नहीं, साफ तौर पर दिखाई दे रही है कि अगर आप हाथ मिला लेते, अहंकार ना जताते, तो आज नजारा कुछ और होता। चावला जी, आपके साथ ही या मुझे याद नहीं है किसके साथ, मेरे यूट्यूब चैनल में वो डिबेट पड़ी है जब केजरीवाल छूटे थे, तो मैंने बोला केजरीवाल बाहर आए ही इसीलिए है कि बीजेपी को जिताने के लिए, हरियाणा में जब उन्होंने बोला कि हम 90 सीट तक खड़ा करेंगे, मैं तभी समझ गया केजरीवाल की मंशा क्या है। नहीं वो तो ना, ये आप गलत प्रेडिक्शन कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी ने तो हाथ बढ़ाया, लेकिन कांग्रेस ने और हुड्डा साहब ने तो मना किया। नहीं, एक्चुअली आम आदमी पार्टी ने हाथ बढ़ाया, आम आदमी पार्टी तो हर जगह हाथ बढ़ाती है, उसमें दिक्कत नहीं है, जब तक साफ की जरूरत रहती है, देखिए जिसको बोलते हैं दगाबाज यार, कांग्रेस की जो नीयत है, जो इमेज बन रही है, और ये विवाद बहुत पहले से था भाई, हम केवल लोकसभा में करेंगे गठबंधन, राज्यों के चुनाव में हम नहीं करेंगे, ये तो उसी वक्त समझ जाना चाहिए था, लेकिन अब केजरीवाल या आम आदमी पार्टी वाले मोदी या अपने से मजबूत पार्टी पे अपनी भड़ास तो निकाल नहीं सकते, गए तो वो भी मुख्यमंत्री बनने थे ना, बोल तो रहे थे कि हम 50 आप मानते हैं इस बात को कि आम आदमी पार्टी के अकेले लड़ने से कांग्रेस को सीधे तौर पर नुकसान हुआ? वही एक नुकसान के फैक्टर दो हैं, एक राहुल गांधी और आम आदमी पार्टी, ये मान के चलिए। अच्छा, राहुल गांधी नुकसान के फैक्टर है? अरे सबसे पहले नुकसान के फैक्टर, भाई आप क्यों जलेबी बना रहे हो, जब आपको पता ही नहीं है तो जबरदस्ती जलेबी, जो काम नहीं किया है। आशीष मिश्रा जी, आशीष बात नहीं, एक मिनट रुके, नहीं, एक मिश्रा रहेंगे, राम रहीम के बारे में, एक मिनट रुके, राम रहीम के बारे में, अनिता जी राम रहीम के बारे में कुछ नहीं बोलेंगी, एक मिनट, एके मिश्रा जी, आपने कुछ कुछ मिनट पहले आपने कहा कि केजरीवाल बाहर आए इसकी तय हो गया था कि हरियाणा में खेल होगा, उसका आधार पहली बात, और दूसरी बात यह कि आप क्या यह साबित करने चाहते हैं कि भैया वो आम आदमी पार्टी जो है बीजेपी की बी टीम है? नहीं, मैं बिल्कुल भी साबित कुछ नहीं करना चाहता इस तरीके से, इसके पीछे लॉजिक है, क्या लॉजिक ये है कि अगर केवल दो पार्टियां, कॉम्पिटिशन कितने तरीके का होता है, पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन, मोनोपोली हो गया, मोनोपोलिस्टिक हो गया, ओलिगोपोलिस्टिक हो गया, प्योर कॉम्पिटिशन, दो पार्टियां हैं तो चीजें रिजल्ट बड़ा क्लियर रहती हैं, कौन जीतेगा, कौन, अंधा आदमी भी बता देता है, 2 से 3 हुआ, 3 से 4 हुआ, 4 से 10 पार्टियां हो गई, बहुपोड़ी मुकाबला जब होता है तो
तो वहां पे वोट कटेंगे। अब अगर केजरीवाल ने डिक्लेयर किया कि 90 सीटें हम लड़ेंगे, अब इसको सोचिए कैसे होगा, वोट कटेगा या तो बीजेपी से कटेगा या कांग्रेस से, क्योंकि दो ही मेन पार्टियां हैं। अब कांग्रेस से ही क्यों कटेगा, इसके पीछे भी लॉजिक है, बताइए। बॉन्डिंग का सिस्टम समझिए, जो पार्टी लूज होती है, जैसे एक अंगूर का गुच्छा है जो पका हुआ है उसी से अंगूर गिरे, जो कमजोर बॉन्डिंग है, तो कांग्रेस पार्टी संगठन के आधार पे वोटरों के साथ उनकी बॉन्डिंग कंफ्यूजन वाली है और कमजोर है। तो जो कमजोर बॉन्डिंग जहां पे होगी, जिस पार्टी के अपने वोटरों से, वोट तुरंत वहीं से खपेंगे। तो इसलिए मैंने ये सोचा था कि कांग्रेस पार्टी का वोटरों से कॉन्टेक्ट उतना नहीं है, तो वोट कटेंगे तो कांग्रेस से कटेंगे। कांग्रेस के अहंकार था, कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस था, क्या था, आपको क्या लगता है? नहीं नहीं, ये अहंकार और ओवर कॉन्फिडेंस कांग्रेस वाले, देखिए मैं आपको सबसे बताऊं, कांग्रेस वाले अहंकार तो करने के कंडीशन में ही नहीं है। अहंकार तब होता है जब आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस करिए और लगातार करिए, ये बेवकूफी है, ये ओवर कॉन्फिडेंस वगैरह नहीं है, ये बेवकूफी है। हाँ, ये महाबेवकूफी है। जलेबी बना, अब सर क्या बात करते हो, हरियाणा में और इस बेल्ट में अभी नहीं, द्वापर युग से लोगों के सुबह का नाश्ता रहा है जलेबी और दही। नहीं, द्वापर लुप्पा कहाँ चले गए आप, अरे इसी सुन लीजिए ना, सुन लीजिए, जलेबी और दही कॉमन नाश्ता है। राहुल गांधी ने सोचा हम उसमें एक्सपोर्ट, एक नया टेक्निकल टर्म जोड़ देंगे, हरियाणवी जात को आएगा ही नहीं समझ में, सोचेंगे भाई बहुत बड़ी बात कर रहे हैं, क्रांति आ जाएगी इकोनॉमिक। अरे किसको बेवकूफ बनाने चले थे, जहां घर घर में, वहां पे महिलाएं देवियां घर घर में जलेबी बनाना जानती हैं, हम लोगों के बेल्ट में लोग जलेबी बनाना, बच्चा बच्चा जा, आप कह रहे हो जलेबी ने हरा दिया। इतनी बेवकूफी वाली बात आप करना, महिलाओं ने भी समझ लिया कि ये निरा बेवकूफ आदमी है। नहीं नहीं प्लीज, व्यक्तिगत नहीं, व्यक्तिगत नहीं, एके मिश्रा जी, नहीं व्यक्तिगत नहीं प्लीज। जिस आदमी को जलेबी भारतीय खाद्यान्न का एक प्रमुख हिस्सा है हजारों सालों से, और जिसको जलेबी के बारे में नहीं पता, पब्लिक क्या सोचेगी उसके बारे में? राहुल गांधी वो पारस पत्थर है, वो पारस है, जिसको भी वो छू देते हैं वो सोना बन जाता है। आप इतना ही सोचिएगा, मैं बड़ी बात एक मिश्रा जी मैं बड़े सम्मान के साथ में कह रहा हूँ, आप इतना समझिए, भारतीय जनता पर आज तक के चुनाव में देखा गया था कि जब भी कोई जीते तो वहां पे लड्डू बटते थे, लड्डू खिलाए जाते थे, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि हर दफ्तर में, हर कार्यालय में, हर गांव में जलेबी बटी है। तो समझ लीजिए कि वो रेहड़ी पटरी पे जो ठेला लगा के बेचारा जलेबी गरीब व्यक्ति बेचता था ना, ये गजब की थ्योरी है, गजब की थ्योरी है, मुनाफा हुआ, गजब थ्योरी है। मतलब क्या है कि भाई हमारी हार की खुशी में पूरे देश में जलेबी बटी है, एक विषारी सरकार, सरकार का बलिदान दे दिया जो पूरे देश में जलेबी बांटने के लिए। आप देखिए है कि राहुल गांधी की सोच इसके दबे कुचले तबके के लोगों का उद्धार कैसा हो, उसके लिए होता है। बहुत गजब थ्योरी, ऐसी थ्योरी सुनिए आप कहाँ देखोगे, तमाम दुनिया देश के तमाम जेलों में ऐसी थ्योरी सुनिए, जैसे आशीष मिश्रा बता रहे, जल्दी से टॉपिक आपके पास आ रहे हैं, एक जल्दी जल्दी से देख कर, जल्दी से आवाज नहीं कर, राहुल गांधी जी को देखोगे कोविड के समय सड़कों पर संघर्ष करते हुए, लेकिन मोदी जी को आप ऐसा नहीं देखोगे, मोदी जी को देखोगे आप मुकेश अंबानी के यहाँ पे शादी में वहाँ पे अतिथि बनकर स्वागत करवाते हुए। अरे सुनिए, ठीक है, मुझे भावनाओं की कदर है, मैं एक ही चीज बोलूंगा, यथा राजा तथा प्रजा, मच्छिका सांचे मच्छिका, तथा ये अंधेर नगरी चौपट राजा, चटा पेर भाजी चटा पेर खाजा। इसमें भारतीय जनता पार्टी कुछ नहीं है, जैसे भारतीय जनता पार्टी वैसे कार्यकर्ता वैसे प्रवक्ता, अब ये सिद्ध करने में लगे हैं राहुल गांधी से। अच्छा जलेबी बनाई, मुकेश अंबानी ने या गौतम अडानी ने कहीं पे जलेबी छाना? आप कम से कम उतना तो सोचिए ना कि उस ठेले वाले का, पूरे देश में कह रहा हूँ मैं, हरियाणा की आपने बात किया ना, वहाँ की परंपरा में है जलेबी, हरियाणा का छोड़ दो कुछ पल के लिए, नहीं अभी छोड़ो, जलेबी मत बनाइए, यहाँ मत बनाइए जलेबी, एक मिनट रुकिए, यहाँ जलेबी नहीं, यहाँ जलेबी मत बनाओ, एक मिनट रुको, एक अब मुझे जल्दी से बताओ, ये आम आदमी पार्टी का कोई वाकई में असर दिखाई दिया है कि मिश्रा जी, जिस थ्योरी पर बार बार जिक्र किया जा रहा है? बिल्कुल, देखिए इसका एक बड़ा सिंपल सा फार्मूला है, इतनी ज्यादा पार्टियां बढ़ती चली जाएंगी, उसमें दो ही कंडीशन होगा, अगर टक्कर कांटे की है पार्टियां और नेता, तो फिर क्या आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है, वो लड़ना छोड़ दे क्या मिश्रा जी? नहीं, हम कहां बोल रहे हैं, हम तो भैया हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं कि हर प्रदेश में अकेले लड़िए आप, हम ज्वाइन कर लेंगे आम आदमी पार्टी को, अगर इस शर्त पे
कि हर प्रदेश में हर सीट पे वो अकेले लड़ रहे हैं। डॉक्टर निमी वो कह रहे हैं कि अकेले लड़ेंगे तो एंजॉय करेगी पूरा देश, जहाँ जहाँ राज्य में चुनाव हो वहाँ के लिए आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर लूंगा अगर हर प्रदेश में ये अकेले लड़े तो। कार्यकर्ता नहीं मिल गए के मिश्रा जी, ये बात समझ में नहीं आई। मैं हरियाणा में, खैर आज ए के मिश्रा जी, वो जो ये ईवीएम ये सुबह उठ के हम लोग कहते हैं राम 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 राम, ये कहते हैं ईवीएम ईवीएम, समझ में नहीं आता। ये हर बार ये हारे तो ईवीएम। ए के मिश्रा जल्दी से, कुछ चीजें जो है जो समझ में नहीं आती है अब हमें छोड़ देना चाहिए। हमारे कांग्रेस के मित्र ने एक शेर बोला कि पत्थर की मूर्त से टकरा गए, अच्छा हुआ हम होश में आ गए। वो गलत शेर बोला, पूरा कंक्लूजन ये है, पत्थर की मूर्त से टकरा के चूर चूर हो गए, चुनाव के पानी मद होश गए और चुनाव के बाद और मगरूर हो गए। कि पत्थर की मूर्त से टकरा गए, अच्छा हुआ हम होश में आ गए। वो गलत शेर बोला, पूरा कंक्लूजन ये है, पत्थर की मूर्त से टकरा के चूर चूर हो गए, चुनाव के पानी मद होश गए और चुनाव के बाद और मगरूर हो गए।